मुख्तार अंसारी एक बार फिर बड़ी मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्तार के गुर्गे शकील हैदर के बैंक खातों की पड़ताल पुलिस ने शुरू कर दी है। इसी कड़ी में वजीरगंज पुलिस ने अमीनाबाद स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से ब्यौरा मांगा है। इस बैंक से शकील ने जहटा रोड स्थित प्लाट पर फर्जी दस्तावेजों से करीब 60 करोड़ रुपए का ऋण लिया था। पुलिस ने बैंक अफसरों से उन दस्तावेजों को मांगा है जिसको ऋण के आवेदन में लगाया गया था। आपको बता दें, वजीरगंज कोतवाली में शकील के खिलाफ 2 दिन के अंदर 4 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे। पीड़ितों ने आरोप लगाया था कि शकील ने जिस जमीन का बेनामा उनके नाम किया है उस पर बैंकों से करोड़ों रुपए का ऋण ले रखा है। 100 से ज्यादा लोग उसके शिकार बन चुके हैं। DCP सोमेन वर्मा ने पीड़ित की तहरीर पर जांच करवाई थी। इसके बाद FIR दर्ज हुई थी। वजीरगंज इंस्पेक्टर धनचे पांडे ने बताया कि शकील ने कई बैंकों से ऋण ले रखा है। कई बैंकों से शकील और उसके साथियों के खाते का ब्यौरा मांगा गया है। वहीं पुलिस अब बैंकों में लगाए गए दस्तावेज की जांच अपने स्तर से भी करेगी। बैंक अफसरों से पूछेगी कि शकील द्वारा लगाए गए इस दस्तावेजों की जांच क्यों नहीं कराई गई थी। उनसे पूछा जाएगा कि किस आधार पर शकील को उधार दिया गया। पुलिस ने यह भी आशंका व्यक्त की है कि बैंक कर्मचारियों की भी साठगांठ रही है। इस बिंदु पर भी पड़ताल की जा रही है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.